हाँ, कैसे हो? कल फोन क्यों नहीं किया तूने? मैं तुझको कितना मिच कॉल दिया, कितना मिच कॉल दिया। जो एनिवर्सरी गया उसमें क्या दिया जामात ने? हीरा का नेकलेस? अच्छा, इस बार तू भी आ, जामात को लेके, दो लड़की लड़का सबको लेके आ। मैं भी तुझको और जामात को कुछ देने का प्लान है मेरा। हाँ, ज़्यादा नहीं, 20 ग्राम्स का कुछ दूंगी तुझको। हाँ, हाथों के लिए तुझको लेके जाऊंगी, दुकान शॉप लेके जाऊंगी, ज्वेलरी शॉप। चिंता नहीं करना, जब तक तेरा मम्मी जिंदा है कोई भी कुछ नहीं कर सकते तेरा। तेरा ससुराल में जामात घर बना रहा है? नहीं, मैं उसको अच्छी तरीके से समझा दूंगी, झगड़ा नहीं करूंगी। झगड़ा करने से ना सब कुछ उल्टा जाता है। अब दिल्ली में अभी रह रहे हो ना, वहाँ पर एक अच्छा फ्लैट खरीदने के लिए आ जाओ, आ जाओ दोनों। और सुनो, जमात को ना अच्छे करके प्यार करना, मोहब्बत में रखना, झगड़ा नहीं करना, तो ना बात बिगड़ जाता है। अच्छा करके घूमो फिरो, सिनेमा देखो, मजे करो। जमात का जो सैलरी है ना, तुम डायरेक्ट नहीं बोलो। हाँ, लड़का है ना, तुमको पता ही तो चलता है कैसे करके उससे, उसके पास से सब कुछ लेना है तुमको। ठीक है, तुम आओ फिर बात करते। ठीक है, आशीर्वाद लेना बेटा। मम्मी, मैं आ गई हूँ। मैं कैसे लग रही हूँ? हाँ, तुम्हारा जामात पीछे ही आ रहा है। हाँ देखो, मुझे कैसा लग रहा है? कितना सुंदर लग रहा है तुमको, बहुत ही खूब। तुम ऐसे ही जीन्स पहनना करो, इसमें तुमको अच्छा लगता है, बहुत सुंदर, नजर ना लग जाए। अरे अरे, अरे, अरे बहू, ये सब पोशाक पहनकर तुम कहाँ पर जा रहे हो? अयो भगवान, क्या हमारा पारा का लोग क्या बोलेगा? अभी तुम ना घर का बहू हो, अभी तुम लड़की नहीं हो। तुम्हारा मायके में ये सब कर लेना, और जब तुम पतिदेव के साथ बाहर जाओगे उस टाइम पे पहन लेना। तुम जाओ, तुम साड़ी पहन के आओ। क्यों सासू माँ, मैंने सोचा था आपको ये ड्रेस अच्छा लगेगा, और अभी बहुत चल रहा है ना, वही तो पहना, मेरे ऊपर नहीं जच रहा है। वाह सासू माँ, ये क्या बात हुई? जब दीदी सालवार मतलब इंडियन ड्रेस है ये भी नहीं पहन के आई, जीन्स पहन के आई, उस टाइम पे तो आपको बहुत अच्छा लगा, गुनगान गा रही थी, और मैं जब ये सालवार पहन के आई, आपको इतना खराब लग रहा? आप ये इसको चेंज करने के लिए बोल रहे हो? क्यों, लड़की और बहू अलग? बहुत जोर से भूख लगी है, सुबह 6 बजे फ्लाइट था, अभी आई। कुछ खाना दे दो, तुम्हारा जामात को भी दे दो, और तुम्हारा मेरा जो दो लड़की और लड़का है उसको भी तुम दे दो। माँ, मैं भी आराम करूंगी। हाँ, तो फिकर मत कर, मैं सब खाना ऑर्डर दिया है बाहर, और फ्राइड राइस है, चिली चिकन है, क्या नहीं खाएगा, बिरयानी है, पायसम है, बहुत कुछ है, क्या नहीं खाएगा। मैं सब जमात और सबको दे के बहू को बोलती हूँ, फिर तुझको देने के लिए अच्छा करके खाना खा। हाँ, कितना दिनों बाद मेरा लड़की आई है। अभी मुझे ना बहुत भूख लगा, आपके पास कुछ खाना है? मैं तो खाना बनाना नहीं मुझे आता है। मैं क्या खाना दूंगी? तुम बना लो कुछ गैस में, तुमको आता नहीं तो मैं क्या करूं? ये दो पीस ब्रेड है, ये गरम कर लो, ये खा लो, और मैं क्या दूंगी तुमको? एक्स्ट्रा काम हो गया, पति को करो, लड़का को करो, सबको करो, मुझे भी करना है, मुझे इस उम्र है, मुझे चाहिए। याद रखना, मैं तुम्हारा माँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारा सास हूँ। जो किया है ये मुझे घर में छोड़ के आया, और इधर ये सब बेच रही है। ये खाना खाओ तो खाओ, नहीं तो मरो। वाह सासू माँ, ये कैसा बात हुई? जब आपका खुद का लड़की इतना भूखा पैसा आपको बोल रही है उनको खाना चाहिए, तब आप बोल रहे हो रेस्टोरेंट से आपने मंगवाया, तो वो थोड़ा सा रेस्टोरेंट का खाना मेरे लिए आप रख सकते हो? मैं क्या आपका लड़की नहीं हूँ? इसलिए कहती है शायद शायद मदर इन लॉ ना, मुझे लड़की के जैसे कभी सोचा नहीं कि लड़की जैसा भी आप बिहेव नहीं किया कभी मेरे साथ। और मैं आपको पूरा टाइम ही मेरा मम्मी का दरवाजा दिया है, मेरा भूखा पैसा रहना आपके लिए कोई भी मैटर नहीं करते। मुझे भी जाना है आप लोगों के साथ ज्वेलरी शॉप, ज्वेलरी खरीदने के लिए आप लोगों के साथ। नहीं, तुम क्यों जाओगे? तुम जहाँ पर मैंने मतलब वो मेरा दीदी का बात है ना, मैं और दीदी जाएंगे ज्वेलरी शॉप, तुम क्यों जाओगे? तुम जाके क्या करोगे उधर? तुम्हारा काम क्या है? वो दीदी दीदी का गहना है, दीदी बनाएगी, मेरा कुछ काम नहीं है, मैं उसका माँ हूँ, मैं जा रही हूँ। तुम्हारा हाँ, तुम्हारा पतिदेव जाएगा ना, तुम पूछ क्यों रहे हो? वो मेरा लड़का है, ये भूलो नहीं।
हाँ तनिष्क है इधर आपास में, बहुत बढ़िया बढ़िया उधर सब कलेक्शन आया है। हाँ चल 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 चलो ज्वेलरी शॉप जाते हैं। आपका लड़का ही मुझे हर वक्त जब सैटरडे संडे निकलती हूँ ना हर वक्त मुझे पूछता है चलो तनिष्क चलो चलो बाकी अंजलि ज्वेलर्स जो सामने हैं चलो, बट मैं कभी नहीं जाती हूँ क्योंकि लगता है मुझे इतना सारा पैसा उनका खर्चा हो जाएगा। मैंने सोचा था सब फैमिली मेम्बर्स जा रहा है इसलिए एक साथ थोड़ा सा हंसी मजाक होगा। ठीक है सासू माँ आप छोड़ो, मैं आपके साथ ज्वेलरी नहीं जाना चाहता, मैं उनको ही बोलूँगी वो मुझे लेके जाएगा। आप इतना चिंता नहीं कीजिए, आप जितना मुझे कष्ट देते हो ऊपर वाला है भगवान है, उतना ही अच्छा मेरा हस्बैंड आपका लड़का मुझे देखता है, पूरा जो उसका जो मांथ का सैलरी मुझे देता है, मैं जो भी बोलती हूँ मेरा सब ख्वाहिश पूरा करता है। तो इसलिए आप चाहे जितना भी मुझे तंग करो कष्ट दो कुछ भी दो, पर लेकिन वो एक्चुअली काम पे आने वाला नहीं है।